द्विवेदी है फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बुकमार्क बनाएंगे, स्पार्कल सीक्वेंस डाल के स्पार्कल बुकमार्क बनाने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। इस तरह के पॉलीथीन लेंगे, देखिए इस तरह के पॉलीथीन लेंगे हम। इन पॉलीथीन को जितना हमें चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई रखते हम इस तरह के दो दो पीस लेंगे, और हम इस तरह की डबल टेप लेंगे। और ये सीक्वेंस है मेरे पास, आप सीक्वेंस देख सकते हैं, ये सीक्वेंस है मेरे पास। अब हम करते हैं स्टार्ट। इसको मैं पहले वाले हिस्से को लेकर इसके ऊपर इस तरह से डबल टेप किनारे से लगानी शुरू करूंगी और इसकी पूरी लेंथ पर इस तरह से लगा दूंगी। लगाने के बाद यहाँ किनारे से मैं इसे काट दूंगी इस तरह से, फिर मैं यहाँ से पूरी लेंथ लगाऊंगी इस तरह से, और किनारे पर रखते हुए मैं इसे पूरी लेंथ इसकी लगा दूंगी इस तरह से, देखें। फिर हम इसके बीच के हिस्से में भी लगा देंगे, बीच के हिस्से में इस तरह से लगाते हुए यहाँ से मैं इसे काट दूंगी, देखें। फिर यहाँ पर लगाएंगे, दूसरी फोर्थ वाली साइड में लगाएंगे। बड़ा आसान है इसे बनाना, और ये बहुत सुंदर भी लगते हैं और बहुत आसान भी हैं बनाने। बस आपके पास थोड़े सीक्वेंस हों या स्टोन स्टार हों या पतले वाले बीड्स हों तो आप इसे बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने लगा दिया चारों तरफ, देखें इस तरह से सारी तरफ लगा दिया। अब हम इसकी तीन हिस्सों का वो उतार देंगे, ऊपर का पेपर इस तरह से, ये, और इसका दूसरा जो पीस है वो इसके ऊपर लगा देंगे। ध्यान से लगाना है, इस तरह से लगा दिया। अब इसका एक हिस्सा खुला रह गया है, एक हिस्से पर हम जरा सा यहाँ से खोलते हुए इसमें सीक्वेंस डालेंगे। जो भी सीक्वेंस आप डालना चाहते हैं आप वो वाले सीक्वेंस ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाले सीक्वेंस डालना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से डालने शुरू करूँगी इस तरह से, देखें इस तरह से आप सीक्वेंस डाल लें इसमें। एक तरीका और भी होता है कि अगर आप जब ये बंद नहीं किया था ना आपने तब भी आप डाल सकते थे, पर तब वो कई बार चिपक जाते हैं किनारे पर, इसलिए मैं तब नहीं डालती इस तरह से। देखें आप इस पर सीक्वेंस सारे इस तरह से डाल लें जितने आपने डालने हैं। उसके बाद आपने ये फोर्थ वाले हिस्से का कागज भी ऊपर से उतार देना है, ये आपने ये वाला हिस्सा भी उतार देना है और इसको चिपका देना है इस तरह से। ये देखिए, ये आपने चिपका दिया इस तरह से, इसको अच्छी तरह से चारों किनारों से चिपका दें इस तरह से आप। ये देखिए मैंने ये इस तरह से बनाया हुआ है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, मैंने ये चारों तरफ इसके लगा दिया है और इसमें मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने ये इसमें डाल दिए सीक्वेंस। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा लेकर इसके ऊपर लगा दूंगी। मैंने इसके चारों पीस निकाल दिए थे, दूसरा हिस्सा लेकर मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी। देखिए बचा हुआ हिस्सा आप काट दें इस तरह से, देखें ये इस तरह से बन गया। तो अब हम इसके ऊपर होल करेंगे इस तरह से, पंच मशीन लेकर आप यहाँ पर होल कर लें इस तरह से, दोनों तरफ आप होल कर सकते हैं। अगर आपका प्लास्टिक में होल ना हो तो आप इस तरह से सुई धागा लेकर और टेसल लेकर आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। ये मैंने डाला, दो तीन बार डालूंगी यहाँ। मैंने ब्लैक कलर लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखें अब मैं यहाँ से सुई को निकाल दूंगी और यहाँ पर इसको दो तीन बार नॉट लगा दूंगी। ये देखें ये दो तीन बार मैंने नॉट लगा दी। ये हमारा इस तरह से, इससे थोड़ा लंबा है तो इसे थोड़ा सा काट देंगे, तो ये हमारा देखिए कितना सुंदर बना है। इसी तरह से मैं इसके अंदर भी करूंगी। मैं इसके अंदर सपोज ये ऑरेंज लगा दूं, क्योंकि इसमें ऑरेंज मैंने डाले हैं तो ऑरेंज भी लगा सकती हूँ। ये इस तरह से मैंने डाला, इस तरह से धागे को आप बाहर निकाल दें और यहां पर इसे थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह से दो तीन बार आप घुमाएं और यहां पर नॉट लगा दें। यहाँ पर दो बार नॉट लगा दें इस तरह से, और इसकी बराबर की लंबाई से आप चाहें तो इसे यहाँ से काट सकते हैं, चाहे तो किनारे से भी काट सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह से टेसल तैयार हो गए। तो आप देख सकते हैं
ये कितने सुंदर हमारे शेकर, ये शेकर शेक कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर सीक्वेंस सितारे सब शेक कर रहे हैं इस तरह से, तो ये बहुत सुंदर बने हैं हमारे। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, ये इसी तरह से मैंने बनाए हैं शेकर, आप देख सकते हैं। गुड लक, इसी तरह से आप बनाइएगा शेकर बुकमार्क।